तो कैसे हैं आप? आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो थर्ड जेंडर होते हैं उनको एक अपनी आइडेंटिटी पहचान दिया जाए और उनको भी समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार के पास में हाई कोर्ट के पास में एक पिटीशन फाइल हुआ था, जिसमें एक थर्ड जेंडर ने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। उसने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मेडिकल में अनफिट ना किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर ऐसा होता है तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो रेड लाइट होते ना जो थर्ड जेंडर आपको मिलती है ना, पैसे मांगती है, यही सारी चीज़ें होती है। ये शुरुआत अच्छी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये इनकी जो संख्या है वो कम हो जाए और इसकी जगह पे ये सम्मान के साथ जीने लायक, मतलब जीने के लिए क्या कहते हैं, इनको भी अधिकार मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा हो जाए ताकि सबको सम्मान से जीने का अधिकार मिल जाए। थोड़ा रोड गड़बड़ है इसलिए दिक्कत आ रही है, पर जैसे कि मैंने बताया अगर ऐसा हो जाता है तो कितना अच्छा होगा। देखते हैं आगे हमारा सरकार क्या डिसीजन लेती है। फिलहाल मैं तो प्रार्थना करूंगा कि हो जाए। थैंक यू गाइस।